नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि हमारे ब्लोवर की एक और दो स्पीड जब हमारी नहीं काम करती, खासकर बुलेरो की, या आपके पास कोई भी गाड़ी हो जिसमें अगर मान लीजिए चार फैन है ना, तो अगर तीन स्पीड नहीं काम कर रही, जिसमें तीन स्पीड है उसमें दो नहीं काम कर रही है, तो उसी को आज हम जानेंगे। मैं वीडियो बनाते समय भूल गया था, तो मैंने उसकी फोटो ही नहीं डाली कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर मैंने बहुत पुरानी 8-9 महीने पुरानी वीडियो को डाला है, तो आप उससे समझ जाएंगे कि क्या है कैसे है। में ये जो एक नंबर है, ये पता नहीं कैसे खराब हो गया, ये भगवान जाने, मेरे को नहीं मालूम था। ये अब दो पे चलती है या फिर तीन पे चलती है? एक और दो जो है ना, वो आपकी इस रजिस्टर से काम करता है, रजिस्टेंस होता है इसमें। तो वो क्या है कि जैसे एक पे आपने किया तो रेजिस्टेंस होता है, तो वो आपके करंट को कम कर देता है, तो ब्लोवर थोड़ा सा धीमे घूमता है। वहीं पे दो होता है तो और रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ब्लोवर और तेज घूमता है। और वहाँ पे तीन की बात करें तो तीन आपकी डायरेक्ट बैटरी से करंट इसको मिलता है, तो जिससे आपका ब्लोवर जो है वो फुल स्पीड में घूमता है। इसकी बात करें तो हमारे में चूंकि दो स्पीड का है, तीसरा तो डायरेक्ट है, तो इसलिए हमारे में दो रेजिस्टेंस है। अगर आपकी गाड़ी में चार फैन के ऑप्शन है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, तो उसमें तीन रेजिस्टेंस हो गए। तो आइए इसी को सॉल्व करेंगे। बाकी आपको निकालना कैसे है, तो ये 10 नंबर का है यहाँ पे, इसको आपको खोलना है। ये आपका प्यार से निकल आएगा, अभी आप ध्यान से देखोगे आप, तो ये जो है इसमें फंडा ही उल्टा है। सच में बताऊँ, ये आपको बड़ा वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में 2 नंबर का है। और जो आप इधर पे देखोगे ना, ये पहला वाला देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन हो गया है, ये आपका फास्ट के लिए है। मेरे में 1 नंबर नहीं चल रहा था, ये अभी मैंने निकाला है। तो ये देखिए, ये पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, देखो ना, एक मिसिंग है था, तो ये टूट गया है। और ये जो बड़ा वाला है, ये आपका 2 नंबर है। ये मेरे को लग रहा है कि जब मेरी गाड़ी बनी थी उस टाइम पे इन्होंने इसको हल्का सा डैमेज कर दिया था। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसको बाईपास तो नहीं करूँगा, इसी में कोशिश करेंगे कि इसमें जो है अपन रंगा यूज करेंगे। चूंकि ये बहुत हीट होता है, तो पॉसिबली कहीं वो रंगा गल ना जाए, पर देखते हैं कि अगर सक्सेस हो गया तो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में जो वो है ना, आपको दिख रही है ना जो रिंग है ना, उनको अपन एक साथ जोड़ देंगे, तो वो फिर बेटर हो जाएगा, शायद वो काम करने लगे। अभी देखते हैं। इसी के कारण हमारा जो रिले होता है वो कट कट की आवाज़ करता है, ये कनेक्शन कभी जुड़ता है कभी छोड़ता है, तो वो कट 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 की आवाज़ करता है। अभी मैंने देखा, आप देखोगे कि यहाँ पे कट है, मैंने सोचा कि इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, इसको और इसको, लेकिन जब मैंने इससे चेक किया मल्टीमीटर से, तो पता चला कि यहाँ पे तो करंट ही नहीं आ रहा है। एक्चुअल में ये वाला भी यहाँ से टूटा हुआ है, देखो आप, आपको दिखा दूँ मैं इधर से, यहाँ पे टूटा हुआ है, देखो ना आप, शायद आपको उतना समझ में ना आए, पर यहाँ पे ज़्यादा गैप है। तो हमें पता चल गया कि मतलब ये नहीं, यहाँ हमको यहाँ से लेके ये 3rd नंबर से लेके और यहाँ तक का कनेक्शन एक को शॉर्ट कर देना। ये एक्चुअल में अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब अगर काम है तो काम करे भाई, ऐसा नहीं हो कि छोड़ दे। आपको चेक करने के लिए क्या करना है, ये मल्टीमीटर है, डायोड के शॉर्ट पे आप इसका नंबर लगा दें, जैसे ये है, फिर जब आप दोनों प्रॉप को टच करेंगे तो ये शॉर्ट की आवाज़, 2 की आवाज़ करेगा जैसे, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले में डालना है, जिस वाले में आपको चेक करना है, तो सबसे पहले अपनी मेन लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ से फिर हम चेक करेंगे कि कहाँ तक करंट आ रहा है। कहाँ तक करंट आ रहा है, इसके बाद वाले में आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। अभी ये 3rd नंबर पे नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ से कनेक्शन टूटा है और इसमें तो नहीं आ रहा। अभी इधर से भी चेक कर लें हम, इधर से आप इसको ऐसा लगाएंगे, टच होना चाहिए इसमें थोड़ा सा। ये जो एक्चुअल में आपको ऊपर ऊपर वाइट वाइट लगा है ना, ये हीट सिंक है, तो हीट को अच्छे से फैलाती है, ये पेस्ट होता है, मेरे में तो बहुत ज़्यादा उखाड़ दिया है। फिर भी तो आप इसको फिर यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे तो आ रहा है, फिर आप नेक्स्ट वाले में टेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी आ रहा है और ये ला इसमें नहीं आ रहा, मतलब इधर से आप करेंगे तो इसमें नहीं आ रहा, इधर से कर रहे हैं तो भी इसमें नहीं आ रहा, मतलब ये तार टूटा हुआ है। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का इसको बिल्कुल प्लेन कर देना है, मतलब इसको जोड़ देना है। हम पेस्ट लगाएंगे, ये बहुत चीप क्वालिटी का पेस्ट है, अभी अपने पास यही है तो इसी से काम चलाएंगे। ये सोल्डरिंग के लिए है, टाक के लिए। और ध्यान दीजिएगा, जब भी लगाना हो ना आपको,
तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीननेस होनी चाहिए। इसको क्लीन करने के लिए आपको 320 220 मतलब छोटे रेत मार्क या सैंड पेपर का यूज करना है और इससे अच्छी तरह से साफ हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, सावधानी बरतिएगा, ये 300 रुपये के आसपास आपका आता है मिंडा का, ये तो दूसरी कंपनी का ग्लार्ड का है, तो ये जेन्युइन है, ये कंपनी से फिटेड ही आता है। तो इसमें अभी सोल्डरिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको हल्का सा पेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम पेस्ट लगा देते हैं। तो ये हमने पेस्ट लगा दिया और उसके बाद हमें ध्यान रखिएगा जितने में कनेक्शन करना है उसको कर दीजिएगा। तो अभी हमने पेस्ट लगा दिया, हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए। देखिए आपको चमक दिख रही होगी, ये देखो आप चमक दिख रही होगी, तो आपको शॉर्ट करना है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं ना तो वहाँ से प्लास्टिक की चीज़ों को बहुत दूर रख दीजिए, क्योंकि वो अगर उस प्लास्टिक पे पड़ा ना तो वो फिर गल जाएगा। वैसे ये जुगाड़ू काम है, सीधी सीधी से मैं बात बता दूँ, इतना ये एक्चुअल में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी बच्चा या घर में कोई भी ध्यान नहीं रहता, हम एक बार ब्लोअर चला देते हैं, कभी नुकसान भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अपन अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं, बाकी वहाँ का नहीं मिलता। अगर आपको नहीं करना है तो अपने आप मंगा सकते हैं। ये देखिए हमारा परफेक्ट सोल्डरिंग हो चुका है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आपकी रही मल्टीमीटर, इसको हम डायोड पे या चेक करते हैं, शॉर्ट पे चेक करते हैं। तो अपन एक इधर लगाया इधर पे और एक इधर लगाते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल काम कर रहा है। अब हमारा एक और पे भी फैन चलेगा, तो अभी इसको गाड़ी में इंस्टॉल करके देखते हैं काम करता है नहीं करता है। वैसे मैंने लगा तो दिया है, अब इसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इसका ज़रूर है कि शायद वो इतना अच्छे से, अब ये रुकता है कि नहीं रुकता, अगर नहीं रुकता है तो इससे हार्ड में सोल्डरिंग करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो इसको बदलने की ही कोशिश करूँगा। इसको फिट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है, तो आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको इस क्लिप में लगाना है, आप दाएं बाएं नहीं लगा सकते, आपको वही ये देखिए ये जो खांचा है इसको नीचे साइड पे और इसको ऐसे लगा देना है और अच्छे से ये फिट हो जाए। ध्यान दीजिएगा इनमें कहीं पे प्रेशर नहीं पड़े, उसके बाद आपको चेक करना है। अभी मैंने चाबी को ऑन कर दिया है और एक बार धीमे से फुल ओवर चलाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट होता है। ये देखिए चलने लगा, तो अपना काम हो गया, अब इसी को लगा देना है। तो अब लगाने की क्या प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको इसको ले जाके ये जो कोना वाला है, ये जो आपको कोना वाला है वो नीचे साइड पे आएगा, इधर साइड पे, तो आपको बहुत ही ध्यान से लगा देना है। उसके बाद आपका 10 नंबर का बोल्ट आता है जो कि ये रहा, और इसको ले जाके फिट कर देना है। वैसे एक्चुअल मैं ऐसे लगा के आपको फिट कर रहा हूँ, तो आप क्लिप को निकाल के ही करें, ऐसे आराम से, ये देखिए फिट हो गया है। उसके बाद इसको लगा दें, यहाँ पे आपको कभी भी जोर आजमाइश बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसी से आपको बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से जब तक सेट हो रहा है सेट होने दीजिए। बस हो गया, बहुत टाइट नहीं करना, नॉर्मल से ये आपका फिट हो गया है। अब उसके बाद अपन चेक करते हैं कि हमारा ब्लोवर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैंने एक पर चालू किया, ये हवा आ रही है, दो पे चालू करते हैं, दो पे थोड़ी सी ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, आप भी ट्राई कर देखना, थोड़ा सा कम हुआ है, दो पे थोड़ा सा बढ़ गया है और तीन पे काफ़ी तेज, तो मिशन हो गया सक्सेसफुल। ये जो कि बहुत अच्छी बात है,
मैं सोच रहा था मेरे को खरीदना पड़ेगा, वो एक नंबर पे बहुत धीमा चलता है, फिर भी आपको ये सब कुछ समझ में तो आ गया होगा, मैं यही कामना करता हूँ। देखा आपने, बहुत ही ईजी था। हाँ ये ज़रूर है कि वो अभी तक तो काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, अब आगे चल के काम करता है कि नहीं करता है ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही बुलेरो और गाड़ी के नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इसी नोट पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपने किया है तो दिल से धन्यवाद, और आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।